पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बेटी का आया दोस्तों सूर्य कुमार यादव के लिए रिश्ता होने जा रहा है। शादी क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें सूर्य कुमार यादव एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो अभी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि दोस्तों इस खिलाड़ी ने हालिया में T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बनकर पूरी दुनिया को दिखाया है, जिसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव के पीछे कई सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हो चुकी है और कई सारी ने तो शादी का सीधा प्रपोजल ही भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव ने किसी को भी भाव नहीं दिया है। और अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जिनका नाम रह चुका है इमरान खान और दोस्तों वह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, दोस्तों उनकी बेटी ने सूर्य कुमार यादव को खुलेआम तौर पर शादी का न्योता दे दिया है, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव के फैंस काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान से शादी का ऑफर आना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों देश देश का मैटर चलता है और वैसे में अगर पाकिस्तान के दामाद बन जाते हैं सूर्य कुमार यादव तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें यह खबर सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है और कई सारे फैंस का मानना है कि सूर्य कुमार यादव को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और दोस्तों इमरान खान का दामाद बन जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों कई सारे लोगों का कहना है कि नहीं ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, फिलहाल वर्ल्ड कप पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें सूर्य कुमार यादव इन दिनों वर्ल्ड कप में इतना ज्यादा खतरनाक बैटिंग कर रहा है कि दोस्तों इनका बल्ला काफी ज्यादा हल्ला मचा रहा है। आपको बता दें सूर्य लगातार दोस्तों वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दोस्तों कई सारी लड़कियां इन पर फिदा हो चुकी है और दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि क्या सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पहले से सूर्य कुमार यादव का शादी हो चुका है और दोस्तों उनके एक बच्चे भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव तलाक देते हैं तब हो सकता है कुछ मामला, लेकिन ऐसे अगर कुछ नहीं होता है तो फिर दोस्तों यह प्रपोजल भी रिजेक्ट माना जाएगा। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी और आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव को दोस्तों एक्सेप्ट करना चाहिए प्रधानमंत्री की बेटी का प्रपोजल या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।